गाइज यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी को लेकर देखिए, हमने पहले ही आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि भैया देखिए आपका जनता दरबार है सोमवार को, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट वहां पे जाके मिले स्वास्थ्य मंत्री से और अपनी चीज़ें उन्होंने बताया, सीएम योगी जी को भी समस्याएं बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप बताइए रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने उनका सब बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग गए जनता दरबार में और योगी जी से अपनी समस्याएं बताया 17,000 प्लस वैकेंसी को रिजल्ट के लेकर। देखिए कल के ही डेट में इन्होंने समस्या बताया, आज की ही डेट में देखिए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का क्या ऑफिशियली जवाब आया है और ये अपडेट निकल के आया है आपका न्यूज़पेपर में। हमने आपको पहले ही बताया था कि भैया अपने आपके लिए आवाज़ उठाइए, सिस्टम को बताइए कि आपको नीड है, आपकी जरूरत है जॉब की, आप परेशान हैं, तभी कुछ अपडेट निकल के आने वाला है, बाकी ये लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन तब तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, फरवरी से हम चिल्ला रहे हैं और कमेंट भी मेरे चैनल पर उल्टा सीधा सब बोलते हैं, ये बकवास करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, दुनिया भर की चीज़ें। भैया आप लोग बकिए, जो बकना है मेरा जो काम है वो हम अपना काम करते ही रहेंगे, आपके कमेंट करने से हम रुकेंगे नहीं और आपके जो भी हमें अच्छे से फॉलो करते हैं कई दिनों से वो मेरे वीडियो पे लगातार देखते रहते हैं और जानते हैं, उनको पता है कि चीज़ें हम कैसे बताते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं जो अपडेट निकल के आया है। तो भाई देख सकते हैं आप, ये आपका एक न्यूज़पेपर में निकल के आया है, ठीक है। लखनऊ यूपी के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी, जल्द ही अस्पतालों में 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी 17,000 स्टाफ नर्स, मतलब स्टाफ नर्स के सबसे ज्यादा वैकेंसी थी इसलिए स्टाफ नर्स की बातें यहाँ पर रखी गई। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है अन्य कर्मचारी मिलेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्ष संविदा के आधार पर 2942 स्टाफ नर्स की भर्ती की गई, इसके बाद 5441 मानव संसाधन की भर्तियां की गई एनएचएम के तहत 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य श्रेणी, ठीक है। स्टाफ नर्स 17,000 स्टाफ नर्स, मतलब स्टाफ नर्स के अलावा जो आपकी एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट है, अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, और इनका जल्द ही ये ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है रिजल्ट वगैरह करवाने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बोला है, ये आपका ठीक है न्यूज़पेपर में निकल के आया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी दैनिक जागरण में दिखाई दे रहा होगा आपको, यूपी ने 17,000 स्टाफ नर्स कर्मियों की जल्द पूरी करेंगे भर्ती, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश, ठीक है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इन पदों पर भर्ती के लिए परिणाम घोषित कर स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल कर्मियों को तैनाती दी जाएगी, यही नहीं भर्ती हो रहे कर्मियों को ट्रेनिंग भी दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कर्मियों की कमी को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। बीते वर्ष संध्या पर 2942 स्टाफ नर्स और 5441 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक जी का फाइल है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मीडिया के सामने जो भी है बयान दिया था, और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें लिखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम 17 द्वारा 17,000 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल कर्मियों को भर्ती की जा रही है, भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। संविदा पर की जा रही इन कर्मियों की भर्ती से सरकारी अस्पतालों को भर्ती राहत मिलेगी, ठीक है। बाकी वो भी चीज़ें जो है, यहाँ पे मुद्दा यही था कि अब कुछ अपडेट आने लगा है यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी को लेकर, अदरवाइज आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, आप लोग जाके नहीं मिलते तो ये चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ जाए, यही जुलाई के मंथ में ही, जैसे हमने आपको 2-3 वीडियो में, एक महीना पहले ही हमने आपको वीडियो में बता दिया था भैया कि देखिए आपका रिजल्ट 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आने की उम्मीद है, आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को मतलब एक जो भी चीज़ें रहता है वहाँ पे कमेंट, जून खत्म हुआ नहीं कि आप लोग कमेंट करने लगे आपने बोला था रिजल्ट नहीं आया, भैया 15 जून से 15 जुलाई तक हमने बोला था कि रिजल्ट आपका आएगा, अभी 15 जुलाई कितना दूर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वेट करिए, पूरी यही उम्मीद है कि अब आपका रिजल्ट जुलाई तक देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया था, एक हफ्ता पहले मंगलवार को वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि मंडे के दिन जनता दरबार है, योगी आदित्यनाथ जी से जाके मिले आप, पूरा एड्रेस आपको वहाँ पे दिया था, तो वहाँ पे भी कमेंट आने लगे उल्टा सीधा, ये ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ करता नहीं, दुनिया भर का प्लान अटकाना। इसके पहले आरटीआई के जवाब में भी मैंने आपको दिखाया था ऑफिशियली कि भैया देखिए इसमें लिखा है कि रिजल्ट आपका अंडर प्रोसेस में, वहाँ पे भी आप कमेंट करने लगे उल्टा सीधा, तो भैया मैं क्या करूँ बताइए। आपके लिए मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाया हूँ पैसे के लिए नहीं, आपकी आवाज़ को सिस्टम तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने अभी तक अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, जो लोग 1,000-2,000 सब्सक्राइब होने के बाद मोनेटाइज कर लेते हैं, मैंने मोनेटाइज नहीं किया है, ठीक है। और रही बात उन यूट्यूबरों को जो 3 चैनल 4 चैनल बना के रखे हैं, उनका हर एक क्षेत्र में, हर एक डिपार्टमेंट में उनकी पकड़ है, बस दूसरों की वीडियो की कॉपी कर, मेरे वीडियो को कई लोगों ने कॉपी किया है, उसमें बताया है कि भैया देखिए आरटीआई का जवाब ही बताया है सेम टू सेम, और भी ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो एनएचएम ऑफिस के झूठ मूठ का एनएचएम ऑफिस के बाहर जाकर वीडियो बनाते हैं कि देखिए मैं एनएचएम ऑफिस में आया हूँ, ऐसे एनएचएम ऑफिस में नहीं घुस सकते हैं आप, ठीक है। डेली डेली वहाँ पे जाके वीडियो शूट करके बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपको कि देखिए ऑफिस में आया हूँ, बात किया हूँ, रिजल्ट आ गया, आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन तैयार करें, अपनी तैयारी रखें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से फार्मासिस्ट और एनएम की वैकेंसी जल्द आने वाली है। आरटीआई हमने लगाया है, फर्स्ट अपील भी लगा दिया है, ठीक है, और जैसे ही उसकी रिप्लाई आते हैं आपको बता दिया जाएगा। और एक आरटीआई हमने लगाया है कि
एनएचएम में पिछले 10 साल से एनएम फार्मासी स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो भी आई थी उनकी कटाव क्या गई थी, ठीक है। इसका भी आरटीआई हमने लगा के रखा है, पूछा है उनसे। 4 तारीख के ही डेट में मैंने फर्स्ट अपील, कल की ही डेट में मैंने फर्स्ट अपील भी लगाया है, तो 2-3 दिन में उसका भी रिप्लाई आ जाएगा आपको। मैं अपडेट कर दूंगा कि देखिए भैया इतनी कटाव गई थी, इतनी वैकेंसी आई थी, ठीक है, इतने दिनों में ज्वाइनिंग दिया था, तो इससे क्या होगा कि आपकी भी कितनी कटाव जाने वाला ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भैया ये गलत है कि फेक है कि रियल है, आप बताएं। तो ये देखिए बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब बनता है, केवल इसी के लिए थोड़ा हम मोटिवेट रहें, हमको भी लगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, एक यूनिट अपना बना रहे, जब भी जरूरत पड़े सिस्टम तक अपनी आवाज़ को हम पहुँचाएं। आप लोग कमेंट करें, जो भी आपका समस्या है उस समस्या को मैं वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊं, लोगों को बताऊं कि ये चीज़ें समस्याएं हैं। और देखिए यूट्यूब ऐसा बात नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट या अधिकारी लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े नहीं रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा देखते ही रहते हैं कि क्या चीज़ें चल रहा है उनके।